so today we will do worksheet four of unit 2 okay so in previous lecture what did you do you had learned about that divisibility test okay so तो मेरा बेटा test mein में आपने ये kiya किया कि हम कौन से kis किस किस नंबर को divide kar कर सकते bina और बिना डिवाइड किए हुए ठीक है तो वही सभी चीजें हमारे को इसमें चाहिए क्योंकि हम लोग जो प्राइम factorization करते हैं तो हम हर नंबर को डिवाइड करके नहीं देखते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं डिविजल रूल ठीक है कि बिना डिवाइड के हम पता लगा लें कि वो नंबर उससे डिवाइड है डिविजिबल भी है या नहीं ठीक है तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही मैथड है मेरा बेटा जो आपने क्लास फाइव में पढ़ा था सेम मैथड है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको प्र, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम किसकी सेवनटी एट की ठीक है तो जब हम सेवनटी एट की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले आप ऐसी लाइन लगाते हैं राइट यहाँ पे लिखते हैं सेवन एट सेवनटी एट राइट अब प्राइम का मतलब है मेरा बेटा कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपने डिवाइड करना है इसको ठीक है प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन फैक्टर मैंने बताया था डिवाइड तो प्राइम नंबर से ही आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है और आई होप आप लोगों ने प्राइम नंबर याद कर लिए होंगे राइट right? तो अब हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है टू तो चेक करते हैं कि टू से डिविजिबल है भी कि नहीं अब टू का डिजल टेस्ट कैसे है हम लास्ट में चेक करते हैं लास्ट में कितना है एट कि टू के टेबल में एट आता है ये इसका मतलब ये नंबर टू से डिविजिबल है ठीक है तो मैंने यहाँ पे टू लिखा राइट अब मैं क्या करूंगी मेरा बेटा या तो आप क्या करो टू सेवेंटी एट को साइड में डिवाइड कर लीजिए जैसे हम करते हैं नॉर्मल वे में बट लेकिन अब हम थोड़े से अब बोलते हैं हम थोड़े बड़े हो गए तो हम थोड़ा इसको शॉर्टकट भी सीखेंगे अब कुछ नहीं करना है पहले टू का टेबल मैंने से, ए, सेवन तक बोलना है मतलब टू का टेबल तब तक बोलना जब तक तो मुझे सेवन ना मिल जाए राइट जब मैंने टू का टेबल बोलना शुरू किया टू वन जो टू 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 जो फोर टू थ्री जो सिक्स टू फोर जो एट अब एट क्या हो गया सेवन से बड़ा तो मुझे तो बड़ा चाहिए नहीं तो एक स्टेप पीछे क्या मिला मुझे टू थ्री जिक्स मीन थ्री पे मिला मुझे थ्री आ गया ये टू थ्री जा सिक्स अब सेवन माइनस सिक्स कितना हो गया वन एक बच गया है ना सिक्स सेवन है ना एक बच गया तो वो वन यहाँ जोड़ गया कितना बन गया ही? एटीन अब टू का टेबल तब तक बोलना है जब तक मुझे एटीन ना मिल जाए तो टू नाइन ज़ा एटीन राइट right? साइड में हम एक बार देख भी लेते हैं कि हमने डिवाइड ढंग से भी किया कि नहीं इसमें आप लोग क्या करोगे साइड में कर रफ रफ लाइन लगा लो ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग डिवाइड भी रॉन्ग कर लेते हैं तो आपने इस तरह से आपने क्वेश्चन को जब भी सही करा तो आपने चेक भी कर लेना है तो टू थ्री जा सिक्स वन कैरी एटीन टू नाइन जीन थर्टी नाइन करेक्ट अब अब आपने देखा होगा मेरा बेटा अब फिर से हम चेक करेंगे टू से लास्ट में नाइन क्या टू के टेबल में नाइन आता है नो इट मीनस ए टू से नहीं जाएगा अब टू के बाद क्या आता है थ्री थ्री भी प्राइम नंबर है और आपको पता है थ्री में से तो आएगा ही आएगा थ्री का टेबल तब तक तो जब थ्री ना मिले जाए थ्री वन जा थ्री अब थ्री का टेबल तब तक जब तो, तो नाइन ना मिले जाए थ्री थ्री जा नाइन राइट थर्टीन अब आपको पता है मेरा बेटा थर्टीन कैसा नंबर है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता है सिर्फ अपने तो थर्टीन है तो कितने से जाएगा थर्टीन से जाएगा तो थर्टीन वनजा थर्टीन तो ये बन गई हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ सेवेंटी एट तो क्या बन गई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टीन मल्टीप्लाई करके भी देख लो कि सही आया कि नहीं गलत थर्टीन थ्री से थर्टी थर्टी नाइन थर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय टू सेवेंटी एट इट मीन्स मैंने ये सही किया है ठीक है एक और सम कर लेते हैं वन ट्वेंटी इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हमने हम वही मैथड कर रहे हैं मेरा बेटा जो हमने क्लास फाइव में सीखा था वन ट्वेंटी लिख दिया राइट क्लियर अब वही बात है लास्ट में जीरो है अब चेक करो टू के टेबल में जीरो यस टू से टू फाइव से टेन हमने देखा था कि जीरो टू फोर सिक्स एट आता है तो वो टू से डिविजिबल होता है लिख दिया मैंने टू अब टू का टेबल अब वन तो छोटा है वन के साथ क्या जोड़ दिया मैंने ट्वेल्व टू बन गया तो ट्वेल्व बन गया अब टू का टेबल तब तक तो जब तक तो मुझे ट्वेल्व ना मिल जाए तो टू सिक्स का ट्वेल्व सिक्स और जीरो का जीरो राइट अगेन नेक्स्ट स्टेप में इसको तब तक डिवाइड करते जाना जब लास्ट में हमारे पास वन ना आ जाए ठीक है अब चेक करो फिर से टू के, के टेबल में सिक्स आता है ये yes. टू थ्री जिक्स जीरो का जीरो अगेन फिर चेक करेंगे कि टू के टेबल में जीरो आती है टू वन जा टू अब टू वन जो टू मिला यहाँ पे तो थ्री है तो कितना आया वन बचा तो वो वन कहाँ जुड़ गया इसके साथ ये कितना बन गया टेन तो टू फाइव जन राइट फिर से एक लाइन अब अब क्या टू के टेबल में फाइव आता है नो no. के टेबल में फाइव नहीं आता है. तो टू के बाद क्या आता है थ्री क्या थ्री के टेबल में आता है फिफ्टीन यस yes. तो थ्री फाइव फाइव पे मिला तो फाइव यहां पे आ गया ठीक है अगेन अब फाइव किसके फाइव अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो फाइव किससे जाएगा फाइव से ही. तो फाइव वन जा फाइव एंड में वन आ गया मतलब मेरा फिनिश हो गया ये अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सॉरी वन ट्वेंटी इज इक्वल टू कितना गया टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव कुछ नहीं है ये जो आगे के नंबर है इन सभी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट थ्री जा कितना था ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फाइव जा वन ट्वेंटी मीन्स हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया कि सही है कि गलत है तो मुझे वन ट्वेंटी ही

तो मैंने टू से ले ली अगर सपोज मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ अगर आपको इस तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है आपसे तो साइड में आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं ठीक है <coughs> सॉरी ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको आएगा लिखिए टू फिफ्टी सिक्स टू से पहले टू वन जा, टू ऐसा डिवीजन डिविजन तो था फाइव आ गया टू टू ज फोर वन देन सिक्स टू एट जिक्सटीन वन ट्वेंटी एट आ गया ठीक है ये वन ट्वेंटी एट आ जाएगा अगर आपने एक और तरीके से देखा तो पहले टू का टेबल टू तक टू वन जा टू कितने पे मिला वन पे मिला तो वन आ गया अब टू का टेबल तब तक तो जब तो फाइव ना मिल जाए तो टू वन जा टू 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 ज फोर टू थ्री जो सिक्स सिक्स तो बड़ा हो गया तो मुझे एक स्टेप पहले चाहिए ना तो सिक्स से पहले क्या था फोर तो कितने पे मिला टू टू ज फोर टू पे मिला ठीक है पर जब फोर मिला तो फोर कम रह गया कितना कम रह गया वन ना तो वो वन कहाँ जोड़िए इसके साथ ये कितना बन गया सिक्सटीन तो टू एट ज सिक्सटीन राइट right? वही नंबर आएगा वन ट्वेंटी एट जो मैंने अभी डिवाइड किया था वही आएगा राइट right? अब नेक अगेन टू से राइट right? अब टू वन तो छोटा हो गया ठीक है तो वन के साथ कौन जुड़ गया ट्वेल्व बन गया अब टू का टेबल तब तक तो, जब तक तो मुझे ट्वेल्व मिल जाए तो टू सिक्स सा ट्वेल्व अब टू का टेबल तब तक तो, जब तक फोर एट मिल जाए तो टू फोर सा एट मिल गया राइट नेक्स्ट अगेन लास्ट में फोर है तो टू से तो जाएगा ही तो फिर अगेन टू से टू का टेबल तब तक तो जब सिक्स तो जाए तो टू थ्री झा सिक्स ना मिल जाए तो टू वन झा टू 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 जो कितने राइट नेक्स्ट अगेन टू से टू का टेबल तब तक तो जब तक तो थ्री तो ना मिल जाए क्योंकि तो टू से थ्री बड़ा है ना तो एक ही डीजे लेंगे तो टू वन जा टू 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 या फोर फोर तो बड़ा हो गया फोर कितने में मिला था टू पे ने? इसको मतलब तो मुझे टू नहीं चाहिए एक स्टेप पहले क्या मिलता है मुझे वन तो टू वन सा टू वन पे मिला टू वन सा टू कितने कम रह गया वन कम रह गया ना थ्री बनाने के लिए एक रह गया ना कम वो वन इसके साथ जुड़ गया कितना बन गया ट्वेल्व अब टू का टेबल तब तक तो जब तक ट्वेल्व ना मिल जाए टू सिक्स जा राइट नहीं आ रहा है साइड में डिवाइड करके देख लो थर्टी टू को टू वन जो ठीक है ना वही आंसर है राइट अगेन लास्ट में किसके टेबल में आता है टू के राइट right? तो 2 से जाएगा तो टू का टेबल तब, तब तक अब वन तो छोटा हो गया अब आगे इसको सिक्स जुड़ गया तो सिक्सटीन बन गया तो टू का टेबल तब तक बनाना है जब तक तो सिक्सटीन ना मिल जाए तो टू एट जा सिक्सटीन कितने पे मिला एट पे मिला तो एट आ गया राइट right? वन मोर अब टू का टेबल तब तक तो तो एट ना मिल जाए तो टू वन जा टू टू जा फोर, टू, जा टू फोर टू एट. थ्री एट फोर पे टू फोर सॉरी अगेन तो फोर किसके टू फोर किस पे टू तो पे मिला टू आ गया अगेन टू टेबल में आता है टू के टेबल में तो टू वन जा टू राइट तो ये हमने बनानी है प्राइम फैक्टराइजेशन अब यहाँ पे स्पेस नहीं उसको प्राइम इजेशन फैक्ट्राइ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू फिफ्टी सिक्स कितना आ गया कितनी बार टू है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मल्टीप्लाई टू टू जो फोर फोर टू जो एट एट टू सिक्सटी थ्री टू ज थर्टी टू थर्टी टू टू जो कितना आता है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर टू जा वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट टू ज टू फिफ्टी सिक्स चेक करो टू फिफ्टी सिक्स ही दिया था मुझे राइट right? एक और हम सम कर लेते हैं ठीक है हमारा है आगे डी पार्ट हमने क्या करना है इसको अगेन एट्टी फोर कितने से जाएगा लास्ट में फोर तो टू से टू फोर जा एट टू टू जा फोर नहीं आता तो साइड में डिवाइड कर लो

अब 7 तो अपने आप ही प्राइम नंबर है तो सेवन तो सेवन से ही जाएगा या फिर अपने आप से जाते हो, पर 1 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं तो आपने वो नहीं लेना है ठीक है आपने ये नंबर सेवन है तो ये सेवन से ही जाएगा अपने आप से ही जाएगा राइट तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जब लास्ट में वन आ गए मतलब हमारा फिनिश होगा ठीक है प्राइम देयर फोर प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एटी फोर इज इकल टू ये आगे वाले को मल्टीप्लाई करें तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन राइट